हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम आप जानते हैं, हाउस एक्सप्लोरर्स। हम क्या करते हैं, हम आपके लिए करते हैं वैल्यू फॉर मनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सर्च करते हैं ताकि आपकी जो सर्च है और परचेजिंग है इजी हो जाए। अगर आप सर्च कर रहे हैं एक लग्जीरियस 3 BHK बिल्डर फ्लैट जो कि साइजेबल हो, लग्जीरियस हो, कुछ अमेनिटीज़ के साथ में आ रहा हो, जैसे कि लिफ्ट हो जाए, पार्किंग हो जाए, अच्छी विसिनिटी में हो, स्कूल नियर बाय हो, पार्क नियर बाय हो, तो ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आने वाली है, वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 1.5 करोड़, जो कि नेगोशिएबल है। बात करें तो ये 1450 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, शक्तिखंड 2 में इसकी लोकेशन हो जाती है। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 3 बेडरूम्स देखने को मिल जाते हैं, 2 वॉशरूम्स आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिले करते नहीं, आपको दिखाना शुरू करते हैं ये फ्लैट। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे क्योंकि काम चल रहा है। चलिए पीछे से शुरू करते हैं, हम तो घर के अंदर थे। ये देखिए, ये हो जाता है आपका लिफ्ट, यहाँ आपका लिफ्ट आने वाला है। ये हो जाते हैं दोस्तों आपके स्टेयर्स, देखिए यहाँ आपको स्टेयर्स मिलने वाले हैं, वाइड स्टेयर्स आ जाएंगे। चलिए दोस्तों एंट्री कर लेते हैं घर के अंदर। ये हो जाता है इसका लैविशा डोर, डोर पर भी देख सकते हैं बहुत अच्छा क्राफ्ट वर्क किया गया है, खूबसूरत लगता है। ब्राउन एंड वाइट और गोल्ड जो स्ट्रिप आ जाती है ना दोस्तों, इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा एनहेंस करती है। दोस्तों अगर हम अंदर बढ़ चलें तो आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ही आपको ये ग्लास वॉल बना के दिया गया है। यहाँ पे वॉल के जगह यहाँ पे उन्होंने ग्लास यूज़ किया, जिससे क्या है यहाँ से भी आपको सनलाइट मिलती रहती है। अगर यहाँ से भी देखिए कर्टन्स लगे हों तो काफ़ी लुक एंड फील अच्छा हो जाता है। हम है इसके दोस्तों लिविंग एरिया में, ये हो जाता है इसका लिविंग एरिया, चेक कर सकते हैं, डीप लिविंग एरिया आने वाला है। नीचे जो हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फ्लोरिंग है यहाँ पर सब आपके डिजिटल टाइल्स लगाए गए हैं। ऊपर अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रीमियम फैंस देखने को मिल जाते हैं, बीचों बीच थोड़ी ऐसा शैंडिलियर आ जाता है जिसकी मेन वॉल हो जाती है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन साइज में वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ही आपको ये टीवी पैनल बना के दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड में दोस्तों बात करें, तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ सेक्शन आपको ये देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ अपने शोपीस लगाएं क्योंकि यहाँ लाइट जो आ रही है ना इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दोस्तों इसी के बगल में आपको ये क्रॉकरी सेक्शन देखने को मिल जाता है जो आपके ग्लास में और नीचे आपके बोर्डी स्टोन में बना हुआ है, काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, काफ़ी एलिगेंट लगता है। इसका बार भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं जगह को। तो दोस्तों ये तो हमने इसका पूरा लिविंग रूम चेक कर लिया, जैसे ही हमने एंट्री की थी ये लिविंग रूम हो जाता है। पहले लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पर आपको पहला बेडरूम देखने को मिल जाएगा, 2 बेडरूम आपके फ्रंट फेसिंग होने वाले हैं। जी दोस्तों फेसिंग की हमने बात नहीं की, वेस्ट फेसिंग होने वाला है, शाम की प्रॉपर धूप मिलेगी आपको। तो देखें ये वाला हो जाता है आपका पहला बेडरूम। बात करें इसके साइज़ की तो एक टेंटेटिव साइज़ जो है अप्रॉक्स साइज तकरीबन 11 बाय 9.5 स्क्वायर फीट का कुछ एक साइज़ आएगा, आप इसे ज़रूर चेकआउट करा सकते हैं। साइज़ अच्छा है आपका, नॉमिनल जो बेड है आपका आराम से आएगा, दिक्कत होगी नहीं। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर विंडो दी गई है ताकि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर होती रहे। ये बैक ऑफ द बेड हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये वॉलपेपर लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। अगर यहाँ राइट साइड में हम अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर आपका मिनी कबर्ड दे रखा है, तो आप अपना कुछ ना कुछ अपने जो चीज़ें हैं आप रख सकते हैं दोस्तों। इसमें भी दो ऊपर अगर आप चेक करें तो हॉल सीलिंग का अच्छा काम है, अच्छा फैन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एंट्री जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आप वॉशरूम को चेकआउट कर सकते हो, इस वाले बेडरूम से भी और अपने लिविंग रूम से भी, दोनों रूम से आप इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। ये से चेकआउट करा देते हैं आपको दोस्तों। ये देखें ये हो जाता है आपका वॉशरूम, यहाँ पर लिविंग रूम से भी इसे एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ पर डोर दिया हुआ है, ये बेडरूम से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रीमियम फिटिंग्स के साथ में आ रहा है, सारे के सारी जैगुआर की फिटिंग आने वाली है, बाथ फिटिंग्स वर्मोरा के आपके जितने भी हैं, आपकी सैनिटरी लगी हुई है, वॉश बेसिन देख सकते हैं, जो आपका कमोड लगा है सब वर्मोरा के लगे हुए हैं। अगर आप टाइल्स की बात करें दोस्तों, ये ग्लॉसी टाइल्स आने वाले हैं ग्रे स्टोन में, प्लस ये आपकी ब्लैक टोन में जो इसकी स्ट्रिप आ रही है ना, ये काफ़ी एलिगेंट लगता है, स्पेशियस होने वाला, आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छा साइज निकल के आएगा, दिक्कत आपको होने वाली इसमें कुछ भी है नहीं। तो चलिए दोस्तों ये तो हमने चेकआउट कर लिया है, इसका पहला बेडरूम, लिविंग रूम लगता हुआ वॉशरूम। अब हम आगे बढ़ चलें तो देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको ये चेकआउट कराया था ये क्रॉकरी सेक्शन, इसी के बिल्कुल नियर अबाउट में ही अगर आप यहाँ चेकआउट करें तो यहाँ आपको किचन देखने को मिल जाता है। ये देखिए
बढ़िया लगता है। एल शेप स्लैब आ जाएगा इसका, और ये भी आपका ग्रेइश डार्क ग्रेइश टोन में आपके जो नीचे का पूरा वर्क किया गया है, ऊपर आपका एक्रेलिक वाइट कलर में है। कुछ इसमें जो ये सेक्शंस आ रहे हैं ये आपके ग्लास के साथ में आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप ये नीचे चेकआउट करें ना दोस्तों, ये देखिए स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है, ये इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा एनहेंस करता है। सामने ही दोस्तों यहाँ पर आपका विंडो आ जाता है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, फुली वेंटिलेटेड फ्लैट रहने वाला है दोस्तों। जितने भी आप बेडरूम देखेंगे वहाँ पर प्रॉपर विंडोज दिए गए हैं ताकि वेंटिलेशन में कोई दिक्कत आपको हो ना। इसमें दोस्तों क्या रह जाता है, देखिए स्लैब का कलर अच्छा आ जाता है, बिल्कुल ये ऑफ वाइट क्रीमी स्टोन है, काफ़ी बेहतरीन लगता है ये। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो यहाँ टाइल्स लगाए गए ना, ये भी क्रीमी स्टोन में दिया गया है, कलर टोन को मैच किया गया है ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे। पूरा मॉड्यूलर फिटिंग होने वाला है दोस्तों, सॉफ्ट टच क्लोजर के साथ में आएगा, ये देख सकते हैं ये भी गोल्ड प्लेटेड में आपको ये दिया गया है, जो आप इसको ओपन करते हैं इसको, और ये क्लोजर में ये देख सकते हैं सारा सॉफ्ट क्लोजर है। इसकी खासियत दोस्तों ख़त्म होती नहीं है, अगर मैं आपको यहाँ चेकआउट कराऊँ ये देखें नीचे, अगर आप ये देखोगे ना दोस्तों यहाँ सब आपको ना ये सब आपका स्टोन है, यहाँ पर लकड़ी यूज़ नहीं की गई है, यहाँ पर स्टोन यूज़ किया गया, जितने भी आपके ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं सब में स्टोन लगा है ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। और ये सारा जो वुड यूज़ किया गया है HDMR क्वालिटी वुड है, तो आपको टर्माइट से तो आपको प्रोटेक्शन देता है, प्लस बहुत सारे ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, खासियत इसकी ख़त्म होती ही नहीं है। अगर दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ ये चेक कराऊँ तो ये देखिए ये हाइड्रोलिक के साथ में आने वाला है, ये देख सकते हैं हल्का सा इसे ऐसे करके ओपन करें, ये अपना अपने आप ओपन हो जाता है। प्रीमियम फिटिंग्स लगाई गई हैं, ड्यूरेबल होने वाला है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं क्वालिटी में दोस्तों। इसमें और क्या रह जाता है, बिल्कुल इसमें जो रह जाता है एक और खासियत रह जाती है वो है ये देखिए पैंट्री सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी कम आपको 3BHK फ्लैट्स में आपको ये पैंट्री सेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है, डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, ये स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया किचन, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं बेडरूम्स को। जो आपके लास्ट दो बेडरूम्स आ जाते हैं दोस्तों, ये फ्रंट फेसिंग होने वाले हैं, वेस्ट फेसिंग बालकनी के साथ आएंगे, दोनों बेडरूम्स आप बालकनी एक्सेस कर पाएंगे। पहले इसका लेआउट चेकआउट कर लें, ये देखिए ये वॉलपेपर के साथ में आने वाला है, आलीशान लगता है। ऊपर देखें फॉल सीलिंग का काम इसमें अच्छा दिखेगा। राइट साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है, आप चेकआउट करें। अगर दोस्तों आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो ये देखिए आपको वॉल माउंटेड आपको यहाँ वार्डरोब देखने को मिलता है, ये भी कलर टोन अच्छा रखा गया है, वुडिश फील में है इसकी, ये देख रहे हैं आप अच्छा खासा इसकी थिकनेस आ रही है, HDMR क्वालिटी वुड है, ड्यूरेबल होने वाला है, और ऊपर जो इसमें ये वर्क किया गया है ना, इससे इसकी जो खूबसूरती है और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका सेकंड बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं जो इसके एडजेसेंट होने वाला है। अगर आपने इसको मिस आउट कर दिया है तो बिल्कुल से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए किचन की एंट्री पर ही बढ़िया से ये दो लाइट्स हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं इसके। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका तीसरा बेडरूम और आखिरी बेडरूम, अच्छा लगता है। अंदर आए इसे चेकआउट करते हैं, ये देखिए अगर हम बात करें दोस्तों ये जो हमने सेकंड और थर्ड बेडरूम चेकआउट किया, इनका जो टेंटेटिव साइज़ आता है तकरीबन 12x10 स्क्वायर फीट का एक साइज़ आने वाला है। अब हम इसका देखिए यहाँ पर आपको ये आपका स्लाइडिंग डोर के साथ में फुल फ्लैश वॉल को यूज़ करके वार्डरोब बनाया गया है, अच्छा दिखता है, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होने वाली है, सेक्शंस अच्छे दिए गए हैं इसमें, ये देखिए साइजेबल आपका रूम होने वाला है, आपके बेड आराम से आएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली इसमें है नहीं। अगर हम इसके अंदर चेक करें दोस्तों, इसके अंदर आपको ये अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा, साइज अच्छा आएगा इसका भी, सारी वही प्रीमियम फिटिंग्स हैं जैक्वार की, ये देख सकते हैं आप, वॉश बेसिन देखें क्या क्वालिटी है यार, क्या लुक एंड फील आता है इसका, अच्छा दिखता है ये। अगर आप यहाँ चेकआउट करें तो ये भी सब ग्लॉसी टाइल्स में आने वाले हैं, इसमें स्ट्रिप जो है तकरीबन गोल्ड प्लेटेड स्ट्रिप टाइप देखने को मिलेगी आपको, अच्छी दिखती है आपका, ये हैंगिंग शावर आ जाएगा, एलिगेंट लगता है ये। तो चलिए दोस्तों ये तो हमने पूरा फ्लैट चेकआउट कर लिया है, अब हम एक बार इसका बालकनी आपको चेकआउट करा देते हैं ताकि आप समझ पाएं क्या स्पेस निकल के आने वाला है, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका बालकनी, बालकनी का आप वो साइज चेकआउट कर सकते हो, ये देखिए अच्छा साइज निकल के आने वाला है, ये जो आपको दूसरा और तीसरा बेडरूम दिखाया है यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। नीचे अगर आप ये चेकआउट करोगे तो आपका वुड स्टाइल टाइल्स लगाई गई हैं, बेहतरीन लगता है, ग्रिल के साथ में ये जो आपकी जो ग्लास आ रही है ना
खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। स्पेशियस बालकनी मिलने वाला है, अच्छा व्यू मिलने वाला है, फर्स्ट फेसिंग बालकनी के साथ आएगा, प्राइम लोकेशन में होने वाला है। कुछ और इसकी USPs की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से अगर आप मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो उसकी दूरी हो जाती है तकरीबन 2.5 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से अगर आप NH24 की बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसकी दूरी हो जाती है तकरीबन 1 किलोमीटर। प्राइम लोकेशन पर है, अच्छी वैल्यू पर है, लग्जरियस फ्लैट बनाया गया है, लेफ्ट पार्किंग के साथ में आ रहा है, फ्रेश प्रॉपर्टी होने वाली है। बिल्कुल आपसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया है, नंबर पर कॉल करें और अपना विजिट प्लान आउट ज़रूर करें। अगर कुछ कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।